इतिहास उन व्यक्तियों द्वारा भी बनाया जाता है जो हर मोड़ में अपने अहंकार से लड़ते हैं, जिन्होंने सुर्खियों और जो अपने हाई गोल्स को अपनी इच्छा से ऊपर रखते हैं। हमारे अहंकार हमारे करियर के शुरुआती दौर में सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सफलता के साथ यह हमारे दोषों को ना देख पाने के कारण हमें अंधा कर सकता है और भविष्य की समस्याओं को बो सकता है। ईगो इज द एनिमी यह बुक साहित्य और दर्शन से लेकर इतिहास तक की कहानियों और उदाहरणों पर आधारित है, जिसमें सभी ने अपने खुद के अहंकार पर विजय प्राप्त करने के द्वारा शक्ति और सफलता के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए। लेकिन हमें इस युग में अहंकार से लड़ने पर क्यों परेशान होना चाहिए, इसका पूरा जवाब इस बुक में मिल जाएगा। अब इस बुक में बताए गए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ऐसा करने पर ही इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, वरना नहीं आएंगे। फर्स्ट वन, ईगो क्या है। जो लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने में स्किल को मार्शल करते हैं उनमें अहंकार होता है। जैसे कि आर्टिस्ट, एथलीट, साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर ने बहुत मेहनत करके उस जगह पर पहुंचे हैं। अहंकार दूसरों के संबंध और मेल मिलाप को कम करता है। अपनी शक्तियों का सही मूल्यांकन करने के लिए आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ लोगों से मिले। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू पायलट और रणनीतिकार जॉन बॉयड ने अमेरिका के आर्म्ड फोर्सेस में मॉडर्न युद्ध में रिवोल्यूशन लाने में मदद की, लेकिन आम जनता उन्हें नहीं जानती। इस पर उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमें इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि लोगों को हमारी बहादुरी के बारे में क्यों नहीं पता है। इसके बजाय हमें अपने काम करने पर फोकस करना चाहिए, जिसका सिर्फ मतलब ये होना चाहिए जो काम मिला है वो होना चाहिए। आप ये बहुत बार सोच सकते हैं कि आप केवल इसलिए स्पेशल नहीं है क्योंकि आप एक अच्छे स्कूल में गए, कड़ी मेहनत करते हैं या एक अमीर या प्रभावशाली परिवार से आए हैं। आप इसे नापसंद कर सकते हैं जब आपका बॉस रूड है या आपके कलीग्स दिमाग खराब करने वाले हों। थर्ड वन, द कैनवस स्ट्रेटजी। कैनवस स्ट्रेटजी संयम की धारणा बनाता है। कैनवस की स्ट्रेटजी का पालन करने के लिए अपने किसी भी काम की शुरुआत में इन विचारों को ध्यान में रखें। आपको शायद बेहतर रवैये को सुधारने और विकसित करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट वन, आप उतने अच्छे नहीं हैं जैसा आप विश्वास कर सकते हैं, ना ही महत्वपूर्ण रूप से। लास्ट वन, आप सब कुछ नहीं जानते और आपको अपने एजुकेशन से सीखने की आवश्यकता है। ये बातें याद रखें, आपकी सफलता अक्सर दूसरों की सफलता के साथ आएगी। अन्य लोगों के काम को आसान बनाने के लिए काम करें। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। सोशल मीडिया बहुत सी बातों को बढ़ावा देती है। फेसबुक और ट्विटर पर अपडेट पोस्ट करने से आप एक्शन पर, भाषण पर आपका ध्यान जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस बात को बहुत तूल दिया जा सकता है, यही आपके अहंकार को बढ़ाता है। दूसरी ओर हमें सफलता को गुमराह करने की कथाएं बताई जाती हैं। सफलता के बाद कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन असल जीवन में कहानी जारी रहती है। आपके सफल होने के बाद हर कोई आपको हराना चाहता है। पहले से कहीं ज्यादा आपको सफलता हासिल करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिफ्थ वन, फोकसेस। खुद पर गर्व करना खतरनाक है या कुछ सीखने के लिए आपको रोकता है, इसके बजाय अहंकार को चेक करने के लिए एक स्टूडेंट माइंडसेट को बनाए रखें, जिससे कि आपका सीखना अधिक हो। जॉन व्हीलर एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन बम विकसित करने में मदद की। उन्होंने कहा है कि जैसा कि हमारे ज्ञान के द्वीप बढ़ते हैं, वैसे ही हमारे अज्ञानता का किनारा होता है। जितना आप जानते हैं उतना ही आपको पता होना चाहिए कि आपको सीखना है। नेक्स्ट स्टोरी, जैज ग्रेट वाइंटन मार्सलिस ने एक बार एक म्यूजिशियन को नम्र होना बताया था और समझाते हुए कि विनम्रता उन लोगों में अस्पष्ट होती है जो विश्वास नहीं करते कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। जैसा कि आप सीखते हैं, प्रक्रियाओं की खोज करें जो आपको अधिक प्रभावी तरीके से सीखने में सक्षम बनाती है। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिसरप्शन का प्रस्ताव है कि हर इंडस्ट्री के अंत में एक बदलाव का सामना करना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि जो बिजनेस अपने वर्तमान कंडीशन से खुश है और बिना कोई इफेक्टिव प्लान के बिजनेस को चला रहे हैं, वे कुछ ही समय में बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीखने और बढ़ने से खुद को रोक दिया है। नए लोग अधिक चुस्त हैं क्योंकि वे अभी भी सीखने वाले दिमाग में, इसलिए वे बाजार की जरूरतों को भरने और इसका फायदा उठाने का अवसर देखते हैं। वे अपने कॉम्पिटिटर्स का अध्ययन करने के लिए सीखते हैं कि कौन से बदलाव उन्हें बढ़ने में मदद करेंगे। सिक्स वन, एक्सेप्ट फेलियर। गलतियां स्वीकार करें। एक एंटरप्रेन्योर या क्रिएटिव व्यक्ति होने के नाते जोखिम लेने की आवश्यकता तो हमेशा बनी होती है। और ये भी याद रखें, जोखिम लेना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता है। जब डो चार्नी अमेरिकन अपारेल के सीईओ थे, उन्होंने अपने समय में कंपनी को कुछ $300 मिलियन और कई घोटालों ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। जब बोर्ड मेंबर्स ने चार्नी के खिलाफ स्टेप लिया तो उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए एक बेकार मुकदमा किया।
कोर्ट के फैसले के बाद जनता के अपमान का उन्हें सामना करना पड़ा। नेक्स्ट स्टोरी, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। जॉब्स गुस्से में थे और कंपनी के फैसले से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे बर्बाद नहीं किया। जॉब्स ने एप्पल के एक हिस्से को बेचा और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने एनिमेशन कंपनी पिक्सर को बनाया और धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा को फिर से बनाया। आखिरकार वह एप्पल लौट आए। सेवेंथ वन, चेक योर सेल्फ। बहुत से लोग जो अचानक ही सफल हो जाते हैं तो वे जंगली व्यवहार में लिप्त हो सकते हैं। अगर आपकी सफलता एक आश्चर्यजनक अनुमान से आई है तो पहचाने कि आपको सफलता नहीं मिली है। जब दूसरों ने आपकी महानता की सराहना की तो शांत रहें। दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से जर्मनी के एंजेला मार्केल पर विचार करें। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनके शिकारी कुत्ते को एक मीटिंग में बाधा करने की वजह से धमकी देने की कोशिश की तो एंजेला ने व्यक्तिगत रूप से इसे नहीं लिया या बुरे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि कुत्तों की नापसंद करना कॉमन नॉलेज है, प्रतिकूल परिस्थितियों में वह दृढ़, स्पष्ट और धीरज को बनाए रखा। जैसा कि एक बार मार्केल ने कहा था, आप हल नहीं कर सकते, करिश्मा के साथ काम करें। इस बुक में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग, अहंकार स्वयं के बारे में सब कुछ करता है। खुद को जानना स्वयं को बढ़ने और बदलने की अनुमति देकर अहंकार को कम कर सकते हैं। अपने आप से पूछे आपके लिए क्या जरूरी है, ताकि आप स्वयं मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित कर सके। जाने कि आपके लिए क्या मायने रखता है, ताकि आप खुद के बारे में सच को पहचाने। अगर आपको सच में सफलता हासिल करनी है तो अहंकार करना छोड़ दे, इसके बजाय निरंतर खुद में सुधार लाए। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ईगो इज द एनिमी बुक से बताया, जिसके ऑथर है रायन हॉलिडे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद भी सकते हैं। हे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप और किसी बुक की समरी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेजें। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हो रही हो तो जरूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, यही मेरा असली मकसद है। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्या पता उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ऐसा करने पर ही इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो, बायोग्राफी और बुक समरीज मैं एवरीडे अपलोड करता रहूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।